कार्यक्रम एनएसयूआई जो हमारा कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, उसने पूरे देश में शिक्षण संस्थाओं में जो गड़बड़ी है, शिक्षा के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस का विजन क्या है, कैसे सुविधाएं बेहतर हम कर सकें, शिक्षा के व्यापारीकरण, बाजारीकरण, भगवाकरण, सांप्रदायिकरण को कैसे रोक सकें, वो तमाम मुद्दे हैं। और ये इस यूनिवर्सिटी का भी भगवाकरण इन लोगों ने कर दिया है। आरएसएस के एजेंट और दलाल यहाँ पर भर्ती कर दिए हैं और वो दलाली ले लेकर के भर्तियाँ करवाने का काम कर रहे हैं। आज मैं तो छात्र जीवन से आया हूँ, पता नहीं ये भारतीय जनता पार्टी मेरी यूनिवर्सिटियों में एंट्रियों को लेकर के कभी ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में रोक देते हैं, कभी यहाँ रोक देते हैं। हालांकि हमारे साथ नौजवान जोश सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम गुंडे नहीं हैं, हम धक्का मुक्की नहीं चाहते हैं। लेकिन जब समय आएगा तो इन लोगों से पूछेंगे ज़रूर कि दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर मल्टीपर्पज़ हॉल में कार्यक्रम हो जाता है और जब एनएसयूआई और कांग्रेस की बारी आती है तो यहाँ पर गेट बंद कर दिए जाते हैं और बताया जा रहा है कि कुछ जो है गुंडे रिवॉल्वर लेके भी बुलाए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कैसी शिक्षा और कैसा आज व्यवस्था का ये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने चलन किया है इस प्रदेश के अंदर। तो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है जिसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहे हैं, उसकी जगह पुराना 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लाया जाए ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को फायदा हो सके और बैकलॉग भी तुरंत पूरा हो सके, तभी व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होगा। बजट के अंदर GDP का कम से कम 10% खर्च हो, ये भी छात्रों की हमेशा हिंदुस्तान में मांग रही है।